ये तो आप नहीं जानते हैं कि मैं पहले से कह रहा हूं इस बात को कि यहां जल्लाद सरकार चल रहा है, जल्लाद राज चल रहा है। आज जो लोग भी इसमें आवाज उठाएगा उसको ऐसा ही जेल के सलाखों के पीछे ये नीतीश कुमार, कुकर्मी कुमार जो हैं, ये भेजने का काम करेंगे। इससे पहले भी मेरे विधायक जी ने भी आवाज उठाया था नीतीश कुमार और सांसद ललन सिंह ये सब के बारे में, तो उनको भी वही हाल किया है जो आज पप्पू यादव को किया गया है, जो सच्चाई का आवाज उठाए हैं। अगर किसी गरीब का मदद कर रहे हैं, किसी का जो है सो कि परेशान लोग की मदद कर रहे हैं, कि कहाँ का भाई न्याय है कि उसको जेल में डाल दिया जाए हैं? और आप देख रहे हैं कि ये हमको ये शक है कि वो जितना उजागर कर रहे थे, जो दवा का कालाबाजारी हो रहा था, जो ऑक्सीजन का कालाबाजारी हो रहा था, जो सुई का कालाबाजारी हो रहा था, वो सब का उजागर कर रहे थे। हमको लगता है कि सरकार से इन लोगों का जो दवा कारोबार, जो कालाबाजारी कर रहे हैं ऑक्सीजन का, इन लोग का सरकार से सांठगांठ है हॉस्पिटलों वाला का, हॉस्पिटल के लोग का, जिसके दबाव में नीतीश कुमार ने पप्पू यादव को सलाखों के पीछे भेजा। अगर पप्पू यादव का रिपोर्ट निगेटिव आया है तो क्यों उनको क्वारंटाइन सेंटर सुपौल जेल बीरपुर में भेजा जा रहा है? ये साजिश है, ये आवाज दबाने की साजिश हो रही है, क्योंकि ये लोग को कभी मोह माया नहीं रहा। जो व्यक्ति लोग अपना परिवार बढ़िया से नहीं चला सकता है, वो राज क्या चलाएगा? मैं एक बात आप लोग के मीडिया बंधु के माध्यम से ये बात कह देना चाहता हूं कि पूरे बिहार की जनता को, कि जनता आप देख लीजिए, जो आपकी सेवा करेगा ये एनडीए की सरकार उसको जेल में डालेगा। गलत आवाज, अगर आप सच्चाई की आवाज उठाओगे तो जो है सो कि आपको जेल के भीतर, सलाखों के भीतर भेजने का काम करेगा। इससे डरना नहीं है, और पूरे बिहार की जनता को एकमुश्त होके ये निकम्मी सरकार से लड़ना है, और मजबूती के साथ सब मिल करके हम लोग को लड़ना है, क्योंकि देख लिया कि जनता जब दुख में है तो ये कैसे जो है सो कि नीतीश कुमार जल्लाद की तरह सबको जो है कि कैसे परेशान किया जा रहा है, हैं? गंगा में लहास बह रहा है, अगर उसको कोई दिखा रहा है, मुर्दा को ऐसे करके रखे हुए है चार चार दिन सड़ने, अगर उसको कोई दिखा रहा है, इनको खबखबी बढ़ता है। कहाँ गए चंगूराम, मंगूराम, ये सब भवभव सिंह, सप्लायर सिंह, तेजस्वी जी को खोज रहे थे यही करने के लिए ना, यही सब करने के लिए। तो मैं चेतावनी दे देना चाहता हूं कि समय एक समान नहीं रहता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, समय सबका आता है। ये जो आप परिपाटी शुरू किए हैं, ये जो जल्लाद वाली जो परिपाटी शुरू किए हैं, भगवान है, सबका समय आता है, और समय आएगा तो फिर जनता विचार करेगी। समझ गए ना? ये सब काम छोड़ दीजिए, जनता पर ध्यान दीजिए।